की तानाशाही नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। देवास में विद्युत मंडल ने कई गरीब बस्तियों में लोगों के कनेक्शन काट दिए हैं और आज की तारीख में वो अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। परीक्षाओं का दौर चल रहा है, उनके बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं लेकिन अंधेरे में कैसे पढ़ाई करें। मेरे हाथ में एक ये बिल है जो गरीब बस्ती का एक बिल है और ये करीब 11,000 के आसपास है और समायोजन के रूप में इसमें 10,000 रुपये की राशि जोड़ी गई है, लेकिन उसका आधार क्या है वो इन गरीब लोगों को बिल्कुल नहीं मालूम है। और हमारे पीछे में आज ये लोग देख रहे हैं, ये कलेक्टर कार्यालय में आज आए हुए हैं और विरोध करने आए हुए हैं कि हमें अंधेरे में क्यों रखा जा रहा है, इसका समायोजन किया जाए। इनके कनेक्शन ऑलरेडी काट दिए गए हैं, इनके बिल मीटर सब उखाड़ लिए गए हैं। बावड़िया क्षेत्र के पटेल नगर और बावड़िया बस्ती के लोग रहने वाले हैं। कितना बिल आपका है जो बकाया है? बकाया 10,000 है। तो कनेक्शन आपको काट दिया? हाँ, काट दिया। इतना बकाया कैसे हो गया? बकाया लॉकडाउन की वजह से हो गया था, भर नहीं पाए थे और बिल भी नहीं आया था। अच्छा। हाँ, और अभी आ गए थे, इकट्ठे आ गए तो अब हम क्या कर सकते थे, इतना तो नहीं भर सकते ना। नहीं भर। फिर भी हमने बोला था कि 1,000 रुपये महीने हम भरेंगे। हाँ। तो वो नहीं ले रहे थे, पैसे नहीं लिए, बिल और पैसे लेके मैं खड़ी थी, मेरे से पैसे वो लोगों ने लिए और धड़ाधड़ कहते केवल उखाड़ दी, मीटर उखाड़ ले, गाड़ी में डाल के ले गए। कितने लोगों का लगभग? ये लगभग हमारे इधर के तो कम से कम 25-30 लोगों के। कौन सा क्षेत्र आपका? ये हमारा पटेल नगर है। पटेल नगर। आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्मला भाई। निर्मला भाई, आपका कितना कटा है? मेरा सर 13,000 रुपये है बिल। अच्छा। जिसमें से मैंने 3,000 रुपये बिल भर चुका हूँ। अच्छा। उसके बावजूद मेरे घर की केबल वगैरह, लाइट मीटर वगैरह उखाड़ के ले गए। और अब आप अंधेरे में हो? और अंधेरे में। कितना बड़ा क्षेत्र में लोगों के हुआ, मतलब सभी लोगों के ऐसा हुआ? सर 25 लोगों के घर पे हुआ। आपके यहाँ पर क्या हुआ? आप मेरे घर पे भी पटेल कॉलोनी में रहते हैं। पटेल कॉलोनी में, पावड़िया में रहते हैं। कितना बिल बकाया था आपका? मेरा 30,000 हो गया। 30,000। ये कितने साल का है बिल? ये तो अभी एक ही 2 साल का है। 2 साल। आपने भरा क्यों नहीं अब तक, मतलब क्यों नहीं भरा? वो लॉकडाउन की वजह से तो बिल ही नहीं आया था। अच्छा। और फिर बिल भी बहुत अनसन आता है। 11,000 आते हैं, इतने कहाँ से भरे हम मजदूर। सर एक बात यह है कि हम क्या पढ़े लिखे नहीं है, और हमको मालूम भी नहीं मीटर में कितना यूनिट बनता है, कैसे बनता है, कुछ भी नहीं। उनके हिसाब से आते हैं। अभी अभी आप सभी अंदर में सरकार से क्या मांगे आपकी, आप लोग यहाँ ज्ञापन देने आए? चालू की जाएगी। गरीब परिवार है, गरीब बस्तियाँ हैं और कोरोना के दौरान जब लोगों की कमाई नहीं हुई है, बिजली तो जलती रही लेकिन बिल हजारों में जब आ गया तो आखिर वो कैसे भरेंगे? सरकारें बड़े बड़े उद्योगपतियों को तो राहत देती हैं लेकिन ऐसे गरीबों को राहत क्यों नहीं देती हैं और उन्हें अंधेरे में रखने को मजबूर कर देते हैं? आज सभी ये अंधेरे में रह रहे हैं, इनके बच्चे अंधेरे में पढ़ाई कर रहे हैं, परीक्षाओं का दौर है, ऐसे में सरकार को कम से कम इनकी ओर देखना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि हम बिजली का बिल भरेंगे लेकिन हमें कुछ किस्तों में कर दिया जाए, कुछ मौका दे दिया जाए। इनको अंधेरे में रखना ठीक बात नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी सब्सिडी दी जाती है उद्योगपतियों को, तो इन गरीबों को क्यों नहीं दी जाती? देवास लाइव के लिए सौरभ सचान।